नमस्कार, मैं हूं बादल और आपके लिए लेके आया हूं एक खैतान का गीजर, जिसका पार्ट वन हमने पहले अपलोड किया था। ये पार्ट टू है, तो जिन व्यूअर ने हमारा पार्ट वन देखा है उनको ये पार्ट टू पूरी तरह से कनेक्शन इसका समझ में आएगा। तो एक बल्ब, ये सेफ्टी बल्ब होता है जो कि गीजर में लगा हुआ रहता है, एक पाइप में थ्रेड के जरिए टाइट होता है। तो सर चलिए सबसे पहले इसको हम टाइट कर लेते हैं। ये सेफ्टी बल्ब इसलिए लगा हुआ रहता है कि जब भी गीजर का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो जब ऑटो कट ना हो और टेम्परेचर बढ़ जाए, तो वो सेफ्टी बल्ब में एक परत लगी हुई रहती है जो कि पिघल कर पूरी तरह गल जाती है, और गलने के बाद वो पानी को बाहर आने के लिए रास्ता देती है। तो इस तरह से पाइप के जरिए पानी बाहर आने लगता है। उसके बाद सेफ्टी बल्ब में एक छोटा सा हम पाइप लगा लेंगे जो कि हमारा नीचे की तरफ पानी को एग्जिट करेगा, ये कवर से बाहर की तरफ निकलेगा। अभी इसको हम खोल लेंगे। इसमें हमारा दो कैपिलरी है, आप देख सकते हैं। इसमें एक रीसेट बटन लगा हुआ है जिसको हमको पुश करने में टक से आवाज़ आएगा। तो ये हमारा जब बहुत ज़्यादा इसमें लोड पड़ता है तो ऑटोमेटिक ऑफ कर देता है, और इसको जब दोबारा पुश करेंगे तो ऑटोमेटिक चालू कर देगा। तो इसमें दो कनेक्शन के लिए, एक इन है एक आउट है, और इसमें एजिस्टर नहीं रहता है। तो इस तरह से हमारा कैपिलरी होता है, एक छोटा होल बना हुआ रहता है अंदर में पाइप के जरिए, और एक बड़ा हुआ रहता है। तो ये छोटे होल में जिधर से हमारा हॉट वाटर बाहर आएगा, उधर हम ये छोटे जो कैपिलरी थर्मोस्टेट है उसको हमको लगाना है, और राइट साइड में जिधर से पानी इन होगा उधर हमारा बड़ा जो कैपिलरी है जिसमें हमारा देख सकते हैं ये डिजिट जो कि इसको सेट करने के लिए दिया हुआ है, ये हमारा 20 एम्पियर का है, और इसको हम अभी 60 डिग्री सेल्सियस पर रख के इसको हमने फिक्स कर दिया है। तो ये हमारा जिधर से पानी हमारा इन होगा वो साइड पे लगेगा। तो चलिए इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें रीसेट बटन लगा हुआ है जो कैपिलरी पाइप, उसमें हम सबसे पहले जो मेन हमारा लीड वायर है रेड वाला, उसमें हम लगाएंगे, और उसमें एक जो रेड लैंप है उसका भी एक कनेक्शन जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं एक कनेक्शन हमारा चला गया है रेड लैंप का, और एक मेन वायर से जो रेड वायर निकला है, मेन जो प्लग है उसे रेड वायर निकला है वो गया है। अब इसका दूसरा साइड हमारा बच गया। अब दूसरा साइड हम एक वायर लगाएंगे, देख सकते हैं इस वायर को हमें लगा लेना है। तो चलिए एक साइड में होल बना हुआ आपको अब देख पा रहे होंगे, इस होल में इसको हमको डाल के और ऊपर से जो नट बने हुए हैं होल में उसको टाइट कर देना। तो इस तरह से देख सकते हैं हमको, पहले हमने इसको लूज कर लिया, अब इसको इस वायर को हमें डाल लेना है। बढ़िया से इसको प्लेन कर लीजिए ताकि इस होल में अंदर चला जाए आराम से, और जब नट हम टाइट करेंगे तो अच्छी तरह से ये फिक्स हो पाए। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको इंसर्ट कर लिया है, और अब उस स्क्रू को हमने टाइट कर दिया। तो इस तरह से हमारा इन हो गया, इन में दो कनेक्शन हमारा गया है और आउट में एक कनेक्शन आउट हुआ है। तो आउट करके हम जिसमें 20 एम्पियर का जो स्विच है, जिसमें डिजिट के लिए कंट्रोलर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस की कितना में आप रखेंगे, उस स्विच में एक इन में हमें देना है। एक इन में गया हमारा, ठीक है, जिसमें 20 डिग्री वाला जो कैपिलरी पाइप है उसके इन में गया, और मेन जो हमारा स्टार्टिंग लाइन है रेड वाला वायर और रेड वाला एलईडी का जो कनेक्शन है, लैंप है रेड वाला, उसका फर्स्ट में जिसमें रीसेट बटन है उसके एक पॉइंट में गया, और उसका दूसरा पॉइंट हमारे दूसरे जो कैपिलरी पाइप है उसका एक पॉइंट में गया। अब ये देख सकते हैं कि ब्लैक वायर जो है हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल में हमारा क्या है कि जो रेड वायर है, जो रेड लैंप है उसका एक कनेक्शन है, और एक कनेक्शन तो ऑलरेडी हमने कैपिलरी पाइप पे दे दिया है। तो इस तरह से एक न्यूट्रल कनेक्शन हमारा रेड वाला इसमें जाएगा, और एक ग्रीन जो लैंप है उसका एक कनेक्शन हमारा न्यूट्रल में जाएगा। तो हम ये जो इमर्सन रड है जिसको हीटिंग रड भी बोलते हैं, उसके किसी भी एक पॉइंट पर हमें इसको टाइट करके फिक्स कर लेना है। तो इस तरह से एक ग्रीन लैंप का कनेक्शन और एक रेड लैंप का कनेक्शन, और मेन जो लीड है उसका ब्लैक
जो वायर है उसको हमने इमर्सन रड के एक पॉइंट पे दिया है। तो इस तरह न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा हो गया पूरा। अब जो हमारा ग्रीन लैंप है उसका एक पॉइंट को इमर्सन रड यानी कि हीटिंग कोयल के दूसरे पॉइंट पे देना है और उस पॉइंट में एक कनेक्शन। तो कैपिलरी पाइप के दूसरे पॉइंट में जिस जो कि 20 एम्पियर का कैपिलरी पाइप है उससे एक कनेक्शन हमने इमर्सन रड यानी कि हीटिंग कोयल पे दिया है और एक कनेक्शन हमारा जो ग्रीन लैंप का है वो हीटिंग कोयल के दूसरे पॉइंट में। इस तरह से कनेक्शन हमारा हो गया कंप्लीट। इसका डायग्राम के ज़रिए मैं आपको लास्ट में बता दूंगा जिससे आपको भी आसानी हो जाएगी। और इस तरह से फिर हमें जो दोनों लैंप है उसको इसके जो फ्रंट में जो इसके लिए ग्रीन और रेड ग्लास लगे वो उसके अंदर इंसर्ट कर लेना है। तो ये हमारा हॉट वाटर है और जो हमारा राइट साइड है उधर हमारा इनलेट है जिधर से हमारा पानी इन हो रहा है। तो देख सकते हैं ये हमारा ग्रीन का लाइट का कनेक्शन है, इसको हम इसके अंदर डाल के फिक्स करेंगे और रेड वाली को हम रेड के अंदर फिक्स करेंगे। तो जब हम लाइन डालेंगे तो हमारा ग्रीन जलने लगेगा और जैसे ऑटो कट होगा तो रेड हमारा जल जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। तो चलिए इसको हम डाल के फिक्स कर लेते हैं। ये बाहर आ जा रहा तो किसी की सहायता से फिक्स करके और इसको मैं अंदर डालने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आसानी से ये चला जाए। तो चलिए उसको अंदर डाल के हमने इस जो कवर है बाहर की कवर है इसको बाहर से बैठा लेना है और इस बात का भी ध्यान देना है जो कि सेफ्टी बल्ब से जो पाइप छोटा सा हमारा निकलेगा प्लास्टिक का उसको भी बॉडी से बाहर कर लेना है ताकि जब भी ये बल्ब पिघल के ये पूरी तरह से डैमेज हो जाए तो ये पानी बाहर की तरफ गिरे ना कि बॉडी के अंदर, ताकि लाइन में लगे हुए जो इमर्सन रड है और मेन लाइन लीड में शॉर्ट ना हो पाए। तो इस तरह से इसको हमको बाहर कर लेना है। तो ये ऊपर का हिस्सा हमारा फिट हो चुका है। तो चलिए बाकी बचे स्क्रू को भी हम लगा लेते हैं और देख सकते हैं ये जो प्लास्टिक का पाइप हमारा बाहर निकल आया है जो कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो चलिए इसको हम टाइट कर लेते हैं दो स्क्रू की सहायता से। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने दोनों को कर लेना है टाइट। एक तरफ से हमने टाइट कर लिया, ये दूसरे तरफ की बारी है। अब इसको भी हम स्टील स्क्रू की सहायता से टाइट कर लेना है। और इस तरह से हमारा जो इसका प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो असेंबली और इमर्सन रड और सारा कनेक्शन वो हो चुका है कंप्लीट। ये है हमारा कनेक्शन डायग्राम, यहाँ देख रहे हैं आप। ये न्यूट्रल कनेक्शन है ब्लैक वायर जो कि एक रेड लैंप में गया है और वहाँ से होते हुए फिर ग्रीन लैंप के एक पॉइंट में और दूसरा हीटर के एक पॉइंट में। इस तरह से हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। अब हमारा लाइन का कनेक्शन देख सकते हैं, एक कैपिलरी में गया है और एक रेड लैंप में और कैपिलरी का दूसरा पॉइंट हमारा दूसरे वाले कैपिलरी में जो कि हमारा टेम्परेचर सेट होता है और उसका दूसरा पॉइंट हमारा इमर्सन रड में जो हीटिंग कोयल है और एक ग्रीन के लाइट के पॉइंट में। इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है और अर्थ वाला पॉइंट हमारा असेंबली के बॉडी में लगेगा। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।